इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ कवि डॉक्टर रामदरस मिश्र हैं और हम उनसे उनकी कुछ प्रतिनिधि कविताएं अब सुनेंगे। एक कविता है वसंत, ये आपातकाल के संदर्भ की है। कोयल से मैंने कहा गाओ, कुछ सन्नाटा कटे वह चुप रही। मैंने कहा मेरे पास आओ, कुछ सन्नाटा कटे वो डाल पर बैठी रही। मैंने कहा अच्छा सुनो मैं ही गाता हूँ। उसने सहमी निगाहों से चारों ओर देखा और एकाएक उड़ गई। अपना रास्ता, यह रास्ता चिकना था, हरा भरा था, लेकिन अपना नहीं था। इसलिए जब जब इस पर पांव रखा फिसल कर गिर पड़ा। अपना रास्ता बिहड़ है, सुनसान है, तपाता है, हैरान करता है, लेकिन वो गिराता नहीं, खड़ा करता है। बाहर बाहर घिसता है, भीतर भीतर बड़ा करता है। लोग चीथड़े लपेटे भूखे नंगे लोग हथेली की ओट देकर कभी दिल्ली की ओर देखते हैं, कभी अपने शहर की ओर, और आपस में पूछते हैं भाइयों इनकी आपसी बातचीत में हमारा नाम क्यों सुनाई दे रहा है बार बार। क्या बात, क्या बात। बाहर तो बसंत आ गया है। बंद कमरों में बैठकर कब तक प्रतीक्षा करोगे बसंत की? सुनो बसंत लोहे के बंद दरवाजों पर हांक नहीं देता, वह शीशे की बंद खिड़कियों के भीतर नहीं झांकता। वह सजी हुई सुविधाओं की महफिल में आहिस्ता आहिस्ता आने वाला राजपुरुष नहीं है। नौ रिकॉर्ड है जो तुम्हारे हाथ के इशारे पर तुम्हारे सिरहाने बैठकर गा उठेगा। बाहर निकलो, देखो बंद दिशाओं को तोड़ती धूल भरी हवाएं बह रही हैं। क्या बात, उदास लय में झरते चले जा रहे हैं पत्ते। आकाश में लदा हुआ लंबा सा सन्नाटा चट्टान की तरह यहां वहां दरक रहा है। एक बेचैनी लगातार चक्कर काट रही है सारे ठहरावों के बीच। जमी हुई आंखें अपने से ही लड़ती हुई अपने से बाहर आना चाहती हैं। आओ गुजरो इनसे, तब तुम्हें दिखाई पड़ेगी धूल भरी हवाओं के भीतर बहती रंगों की छोटी छोटी नदियां। पत्तियों की उदास लय में से उठता उगता नए हरे स्वरों का एक जंगल। नए पेड़ों के बीच कसमसाता लाल लाल आभाओं का एक नया आकाश। चट्टानों को तोड़ तोड़ कर झरने के लिए आकुल प्रकाश के झरने। कपकपाती आंखों के बीच तैरती अनंत परछाइयां। तुम कब तक प्रतीक्षा करोगे बसंत की बंद कमरों में? तुम्हें पता नहीं बाहर तो बसंत आ चुका है। क्या बात, क्या बात। बाबू जी, कविताओं के साथ अगर उसका संदर्भ अगर आप बताएं तो सुनने वालों को थोड़ी सुविधा होगी कविताओं को समझने। संदर्भ तो उसी का बाहर तो सब दूसरा तो अपने आप में नदी बहती है जो तमाम सरकारी सुविधाएं आम आदमी के पास आना चाहती हैं और नहीं आ पाती हैं जी, उसको लेकर एक कविता है। स्वागत। हमेशा आकाश से झरती है एक नदी और हमेशा ऊपर ही ऊपर कोई पी लेता है। अरे वाह। हमेशा आकाश से झरती है एक नदी और हमेशा ऊपर ही ऊपर कोई पी लेता है। धरती प्यासी की प्यासी रहती है और कहने को आकाश से नदी बहती है। अरे वाह। अब क्या आम आदमी आने के बाद क्या ये कविता अब नए संदर्भों में समझी जाएगी आम आदमी पार्टी? हाँ, आम आदमी तो अब आई है। हम लोग तो सदियों से आम आदमी के साथ हैं। कविता तो सदियों से आम आदमी के साथ है।
जहाँ हम लोग पहले से थे वहां अब राजनीति जुड़ रही है, अच्छी बात है। एक पता है पता, ये भी आम आदमी की जिंदगी का एक नक्शा है कि कैसे वह कहाँ रहता है। चारों ओर कांटों का जंगल है, चारों ओर कांटों का जंगल है और भीतर कहीं एक डरी हुई लता है। जाओ चले जाओ, यही उसके घर का पता है। अरे वाह, बहुत खूब। कहता है वह जो आम आदमी ओढ़ देता है और स्वयं किस हाल में रहता है उसका एक चित्र है। बज बजाती हवाओं के बीच कच्ची दीवार की टूटी छाया, उसके तले उसी तरफ बैठा हुआ वह, उसके साथ एक कुत्ता, एक बकरी और उसका साया। सामने के राजमार्ग से बार बार गुजरते हाथी घोड़ों के जुलूस की वह जय बोलता है। बहुत खूब। सामने के राजमार्ग से बार बार गुजरते हाथी घोड़ों के जुलूस की वह जय बोलता है। वो जय बोलता है। कहता है माँ, माँ के लिए कोई सफाई देने का आवश्यकता नहीं है। चेहरे पर कुछ सख्त अंगुलियों के दर्द भरे निशान हैं और कुछ अंगुलियां उन्हें दर्द से सहलाती हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ आंखें आंखों में उड़ेल जाती हैं रात के परनाले और कुछ आंखें उन्हें सुबह के जल में दहलाती हैं। ये दर्द भरी अंगुलियां, ये सुबह भरी आंखें जहां कहीं भी हैं मेरी माँ हैं। अरे बहुत खूब। ये दर्द भरी अंगुलियां, ये सुबह भरी आंखें जहां कहीं भी हैं मेरी माँ माँ है। माँ जब तक तुम हो मैं मरूंगा नहीं। बहुत खूब, बहुत सुंदर। एक कविता है लोक राम, ये भी आम आदमी की तस्वीर है। हाय लोक राम बेमौत मर गया, हाय लोक राम बेमौत मर गया, कमबख्त तुझे किसने कहा था कि फुटपाथ पर सोकर एक बड़ा सा सपना देख। अरे वाह, जानता नहीं था कि यह एक सामाजिक अपराध है। ओहो, अब तो सरकारी फुटपाथ पर भी नहीं सोने दे रहे इन लोगों। हाँ, तो अब ये सामाजिक अपराध भी वो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकते। मकान, आदमी और चिड़िया के बीच कैसे संघर्ष चल रहा है। चिड़िया फिर टांग गई है तिनके घोंसला बनाने के लिए, चिड़िया फिर टांग गई है तिनके घोंसला बनाने के लिए, और मैं फिर उजाड़ दूंगा, और मैं फिर उजाड़ दूंगा। मैं कितना असहाय हो गया हूं इस लड़ाई में उसके आगे। मुझे अपने कमरे की बांझ सफाई की चिंता है और उसे आने वाले अपने बच्चे की है। अरे वाह, बहुत ही मार्मिक कविता। बच्चा, हम बच्चे से खेलते हैं, हम बच्चे की आंखों में झांकते हैं, वो हमारी आंखों में झांकता है, हमारी आंखों में उसकी आंखों की मासूम परछाइयां गिरती हैं और उसकी आंखों में हमारी आंखों के कांटेदार जंगल, और उसकी आंखों में हमारी आंखों के कांटेदार जंगल, उसकी आंखें धीरे धीरे कांटों का जंगल बनती चली जाती हैं और हम गर्व से कहते हैं बच्चा बड़ा हो रहा है। बहुत खूब। चिड़िया, चिड़िया उड़ती हुई कहीं से आई, बहुत देर तक इधर उधर भटकती हुई अपना घोंसला खोजती रही। चिड़िया उड़ती हुई कहीं से आई, बहुत देर तक इधर उधर भटकती हुई अपना घोंसला खोजती रही,
फिर थक कर एक जली हुई डाल पर बैठ गई है, फिर थक कर एक जली हुई डाल पर बैठ गई है और सोचने लगी, आज जंगल में कोई आदमी आया था क्या? क्या बात, बहुत आज जंगल में कोई आदमी आया था क्या? एक कविता है औरत, सर्दी हो या बरसात, सोते हुए या उनीदी बीती हो रात, तुम 4 बजे उठ जाती हो, बच्चे सोए रहते हैं, किसी को कहीं जाना होता है, किसी को कहीं, बारी बारी से सबके लिए चाय बनाती हो, उठाती हो, नाश्ता बनाती हो, कभी हंसती हो, कभी झल्लाती हो, हर आदमी की फरमाइशों के साथ पूरे घर में भागती फिरती हो और घूम फिर कर रसोई घर में आ जाती हो, दाल का भड़कना, चावल का खड़कना, बर्तनों का खनखनाना, सब्जी का छनछनाना, यानी अन्नपूर्णा का एक सुगंधित साज तुम्हारे हाथ से बजता रहता है और रात का बिखरा हुआ घर तुम्हारी लय पर सजता रहता है। क्या बात, तुम समय में तनी हुई समय को तानती हो, तुम समय में तनी हुई समय को तानती हो, उसके एक एक क्षण के अर्थ को पहचानती हो, कपड़े खींचती हो, बर्तन धोती हो, धीरे धीरे 2 बजते हैं, थोड़ा बहुत खाकर लेटती हो कि धोबन आती है या किसी मेहमान के हाथ की घंटी घनघनाती है, उलीदी जागती हो, सिर दुखने के डर से भनभनाती हो, फिर एक सन्नाटा पसरा होता है आसपास, सिलाई मशीन से उसे तोड़ती हो, घर के टूटे हुए सारे सूत्रों को जोड़ती हो, या चली जाती हो मोहल्ले के किसी घर में जहाँ कोई वेदना पसरी होती है। क्या बात, फिर सिलसिला शुरू होता है घर के लोगों के आने का और चाय नाश्ता बनाने का, लोग टीवी देखते हैं तुम खाना पकाती हो, लोग गाना सुनते हैं तुम बैठे बैठे खुद ही गुनगुनाती हो, और जब तुम सोने जाती हो तब रात के 11 बज रहे होते हैं, काम और तुम और काम जैसे रात के 4-5 घंटों के लिए ही 2 मित्रों में कुट्टी होती है। काम और तुम और काम जैसे रात के 4-5 घंटों के लिए ही 2 मित्रों में कुट्टी होती है। कभी कभी तुम मजाक में कहती हो, मेरी कभी नहीं होती, सबकी छुट्टी होती है। अरे वाह, ये तुम्हारा मजाक और तुम्हारा मजाक जैसे छिप कर के रो पड़ता है। सोचता हूँ तुमने क्या किया जिंदगी भर गृहस्थी के जुए में जुटने के सिवाय, पति कागज कलम लेकर बड़े बड़े संवेदनों और मूल्यों की रचना करते रहे और खुद बड़ा बनते रहे, बच्चे खेलते महकते रहे, नए क्षितियों की ओर उनकी चरण बढ़ते रहे और तुम चरखे की तरह भीतर चलती रहिए, पति और बच्चों की खुशी में ढलती रहिए, अनाम जीती रहिए और एक दिन अनाम चली जाओगी, अनाम जीती रही और एक दिन अनाम चली जाओगी, और जब पति और बच्चों के यश की लाड़ी चारों ओर फैलेगी और उनकी जय जयकार होगी, तब कोई नहीं देखेगा कि एक औरत थी जो चूल्हे चक्की बर्तन भाड़ी के लय पर जीवन के मंत्र पढ़ती रही है। क्या बात है, क्या बात है, तब कोई नहीं देखेगा कि एक औरत थी जो चूल्हे चक्की बर्तन भाड़े के लय पर जीवन के मंत्र पढ़ती रही है और खुद को अंधेरे में रखकर जिंदगी भर रोशनी की मूर्ति गढ़ती रही है। क्या बात है, ये तो बहुत सारे घरों की कहानी है, ये लगभग सभी घरों की कहानी। हाँ, सारे घर कहानी है। उस महत्व की कोई कीमत। एक मेरी गजल है जो काफी चर्चित है जी। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। अरे वाह, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे। बहुत खूब। गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे।
गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे, न हंस कर न रो कर किसी में उड़ेला, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे धीरे, न हंस कर न रो कर किसी में उड़ेला, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे, जमी खेत के साथ लेकर चला था, जमी खेत के साथ लेकर चला था, उगा उसमें कोई शहर धीरे धीरे, उगा उसमें कोई शहर धीरे धीरे, मिला क्या न मुझको है जिंदगी, मिला क्या न मुझको है दुनिया तुम्हारी, मिला क्या न मुझको है दुनिया तुम्हारी, मोहब्बत मिली है अगर धीरे धीरे, बनाया है मैंने घर धीरे धीरे। बाबू जी एक बार फिर से वो जहाँ आप पहुँचे चलांगे लगा कर, एक बार उसको एक बार आप दोहरा दे, जहाँ आप पहुँचे। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगा कर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे। बेहतरीन।